बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह के बज रहे हैं 5:30 और भाई सुबह का 4:30 बजे से रिवीजन करने बैठे क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो नहीं कहेंगे, पीरियोडिक टेस्ट है 20 मार्क्स वाला जो आप लोग का भी होता होगा। तो आज था मेरा दो सब्जेक्ट का जो था इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी, और तब से सुबह से तो रिवीजन ही कर रहे। 4:30 बजे कल 10:30 बजे तक किए थे, उसके बाद सो गए, उसके बाद अभी उठे फिर किए, फिर 5:30 बज रहा है। चलो कुछ खाते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। 6:30 बजे हम लोग की बस आती है, इसलिए 1 आवर में तो आराम से हो जाएगा भाई। ओ भाई, और भाई हालत ख़राब हो गई लिटरली भाई। ओह, लिट कल भी इतना हुआ और इतना दिन से जानते व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई लिटरल बता रहा हूँ, मेरा कम से कम 4-5 दिन के लिए ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब क्या बोले यार, और कुछ दिन मतलब ये भी था पीरियोडिक के लिए रिवीजन ये सब करना था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहता। आ रहे थे घर तुरंत सो जा रहे थे, उसके बाद मतलब स्कूल जा रहे थे तुरंत घर आ जा रहे थे। मेरे पास एक है मतलब व्लॉग टाइप, मतलब एक और हम बनाए थे, सोचे थे अपलोड करेंगे, लेकिन मेरे को ना देखने में ना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था व्लॉग, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था वो व्लॉग में उतना। तो मैं सोचा कि अपलोड नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो वो कर देंगे व्लॉग अपलोड। तो भाई देखते हैं, अभी इतना हो गया और चलते हैं जल्दी से, स्टार्ट करते हैं अपना दिन आज से। चलो टाइम टेबल मिला लेते हैं भाई, क्योंकि रात को तो हम नहीं मिलाते हैं, डुगू मिला लेते हैं रात को। मेरे को रात में अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा मिला, अजीब मतलब आलस लगता है, तो जल्दी से सुबह मिला लेते हैं और क्या। तो यहाँ बैग पैक हो गया है और भाई, तो मेरे को तो लगा था आज तो 5 पीरियड था, लेकिन लगा था कि आज बहुत ज़्यादा हल्का बैग हो जाएगा। 5 पीरियड या ज़्यादा नहीं, 8 होता है वैसे, लेकिन जो लास्ट का 3 पीरियड होंगे उसमें तीनों एक दो एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ आ रहा, 3 पीरियड होगा, तीनों मतलब मेरे ख्याल से 35-35 मिनट का होगा, तो एग्ज़ाम कितना होगा, मतलब सिर्फ बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो देखते हैं क्लास से आके पता चलेगा कितना टाइम मिलेगा हम लोग को, और 20 क्वेश्चन रहेगा तो इतना तो तुरंत ही हो जाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा तरीके से हैवी बैग हो गया, और चलो ठीक है। तो गाइस फुल ऑन रेडी हो चुके हैं, पूरा हो चुका है, मतलब पूरा ड्रेस वेस सब हो गया है, फिर पैक भी हो गया है पूरा बैग। तो मिलते हैं आप लोग से स्कूल से आने के बाद, बताते हैं कैसा गया यार टेस्ट हम लोग का। तो मिलते हैं गाइस, 1 घंटा हो गया हमको स्कूल से आए, और एग्ज़ाम जो बढ़िया गया है भाई, दोनों में मेरा 18 से ऊपर आ जाएगा, जो लेकिन 5th मतलब हम लोग का 6th 7th 8th में हुआ था, और मतलब ये हुआ था, मतलब हम लोग का 8 पीरियड रहता है जिसमें 6th 7th और 8th में एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम नहीं था, पीरियोडिक टेस्ट था 20 मार्क्स वाला, जो हुआ था दो हुआ था, एक था ज्योग्राफी का, एक था इंग्लिश लिटरेचर का। मतलब जैसे 5th पीरियड उसके बाद हुआ, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक रिविज़न के लिए, उसके बाद जस्ट हुआ भाई। बिल्कुल जो 5th पीरियड में फटा था भाई, लग रहा था भाई गए गए गए, लेकिन भाई आखिर में जब क्वेश्चन पेपर आया तब मिला भाई, तो बहुत ईजी है भाई, ऐसे हो गया भाई, तुरंत ही हो गया। 45 मिनट्स का भी टाइम नहीं मिला था, मतलब मैं उतना नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से 35 मिनट्स या 40 मिनट्स मिला होगा अप्रॉक्स, मेरा तो हो गया था तुरंत ही, हो गया था 15-20 मिनट में ही हो गया था, उससे भी कम में हो गया था यार, तुरंत हो गया था, कुछ ज़्यादा था नहीं। और अभी खाना खा के उठे थे भाई, एकदम टंच हो गया। और है मेरे को कल तो स्कूल बंद है, पता नहीं क्यों, देखा जाएगा, इतना बंद है ना, तो अच्छा रिविजन के लिए मिल गया। और सैटरडे को है मेरा फिजिक्स का, तो भाई फिजिक्स में तो बहुत डर लगता है भाई, लेकिन ठीक है। और अभी मैं कुछ देख रहा था, सौरभ जोशी व्लॉग्स दिखाते हैं आप लोगों को, ये कुछ देख रहे थे उन लोग का नया वीडियो, तो अभी इतना देख चुके थे खाना खाते हुए। ओ भाई मेरा तो ऐसा नहीं है कि हम खाना समय मोबाइल देखते, भाई टीवी भाई खाना समय एकदम मोबाइल नहीं देखना, एकदम टीवी भाई, मज़ा आता है टीवी देखने में भी। और क्या बोले भाई, नरूटो भी छूटे जा रहा है धीरे धीरे, मतलब उतना नहीं देख पा रहे, मतलब पहले जैसे देख पाते थे, मतलब पहले तो हम ख्याल से 5-6 एपिसोड देख लेते थे एक दिन, और अभी तो हम कितना हफ्ता, 1-2 हफ्ता में मतलब कह सकते 4-5 ही एपिसोड देख रहे हैं, ज़्यादा देख ही नहीं पा रहे हम। अभी हैं 46th एपिसोड में नरूटो शिप्युडन का, और 500 है भाई लिटरली कंप्लीट, मेरे ख्याल से ना इस साल कंप्लीट होगा साल में, पर बहुत लेट होगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करें। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम करते, क्योंकि आज 4:30 बजे के उठे हुए हैं भाई, मजाक नहीं, और तब से रिवीजन कर रहे हैं, तो सोच रहे 1-2 घंटा सो लेते हैं आराम से, उसके बाद आराम से अपना रात को उठेंगे आराम से चिल, आराम से 7 बजे स्टार्ट करेंगे तो 10 बजे तक पढ़ेंगे आराम से फिजिक्स। सोच रहे आज पूरा न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर देते हैं दोनों चैप्टर का, और कल हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएंगे, तो मज़ा आएगा भाई, ज़्यादा मज़ा क्या है भाई, ठीक है। और खेलने का भी अब टाइम नहीं मिल रहा भाई, कुछ नहीं खेलते अब लिटरल भाई, कुछ नहीं। माइनक्राफ्ट का भी वीडियो कब रिकॉर्ड होगा पता नहीं, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से 7-8 दिन हो गया, और माइनक्राफ्ट का मतलब एडिट तो दूर, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, शिट भाई, मतलब क्या बोले अब हम, रीज़न भी क्या, हम सोचे थे कि मतलब 1 हफ्ता में कम से कम 1 वीडियो भी डाल दे तो बहुत सही है, लेकिन अब क्या बोले यार, महीना में 2-3 ही वीडियो आ पा रही है, बहुत टफ है भाई।
भाई। और मेरा ना अभी फॉल गाइज आया था, आप लोगों को पता होगा अगर एपिक गेम लॉन्चर में फॉल गाइज आया था तो भाई वो मेरा मतलब स्टीम नहीं, ओबीएस में ना वो नहीं हो रहा, मतलब आ ही नहीं रहा है ओबीएस में, वो स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम डिस्प्ले कैप्चर ना मेरे को एक्चुअली ना पसंद ही नहीं है, मतलब तुरंत होता है गेम तो हम गेम कैप्चर यूज़ करते, गेम नहीं विंडो कैप्चर, तो विंडो कैप्चर यूज़ करते हैं हम, तो देखते हैं फिर नहीं हो ही नहीं रहा, मैं क्या करें। सारे जानवर पालतू हैं, आप पालो सबको, मैं जा रहा हूँ। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ तो फिर से ऑलमोस्ट, तो भाई चलते हैं जल्दी से और मिलते हैं आप लोग से फिर। I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. ट्राई किए जा रहे हैं वहाँ जाने का, चिट के तब फट रहा है कसम से, और वहाँ पे सब फुटबॉल खेल रहा है भाई, खेलने दो और चलते जल्दी से करते हैं, और ये लोग सबसे ऊपर, तो चलो जल्दी से हम भी यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ फोटो वोटो खिंचाते हैं उसके बाद। भाई यहाँ फोटोग्राफी हुए जा रहा है और इधर चश्मा फेंका जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा, तो अभी वीर का फोटोग्राफी हो रहा है तो उसके बाद मेरा होने वाला है, तो चलते हैं जल्दी से फोटोग्राफी कराते हैं मस्त सा। फोटोग्राफी हो चुका है तो चलते हैं आप लोग और दिखाते हैं। लोग अभी भी फोटोग्राफी किए जा रहा है और ये लोग अभी ऊपर चढ़ा हुआ है, और वो था फायरिंग रेंज वाला पहाड़ जहाँ हम लोग पूरा चढ़े थे भाई, देखते कितना बड़ा है ये, और आप लोग को लग रहा था छोटा होगा, अभी ये भी आप लोग को छोटा लग रहा होगा, ये एक्चुअली था मेन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा भाई, हम गए हुए हैं इससे पहले, तो देखते हैं और कितना करेंगे, आप लोग भी दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं देखते चढ़ पाते कि नहीं। अभी फाइनली चढ़ गए हैं भाई, तो आप लोग दिखाते हैं यहाँ कुछ है इतना, और ये लोग यहाँ पे, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, तो देखते हैं और कितना देर में आते हैं। तो अभी उन लोग हैं वहाँ पे और हम लोग यहाँ पे छोड़ दिया, हम लोग यहाँ पे कुछ अकेले हैं और वो आ ही नहीं रहे, वो जो है वो स्पेशलिस्ट है माउंटेन का, ये जो वो है कहाँ गया ये वाला, वो क्या बोलते हैं, ये है स्पेशलिस्ट है माउंटेन, वो हम लोग को नीचे ही नहीं उतार रहे यार भाई, ठीक है भाई चलो जाते समय अब थोड़ा बहुत उतार देंगे। वो लोग अपना रास्ता निकल गए, हम अपना रास्ता निकल गए, उन लोग निकल गए ग्राउंड के लिए, हम निकल गए घर के लिए, उन लोग का ग्राउंड ही वगैरह इसलिए है तो उन लोग का तो सही है, तो चलते चलते से घर पहुँचते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। अभी जाएंगे और फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कितना कितना बाकी है, अभी तो ज़्यादा ही बाकी है। अभी जस्ट घर पहुँचे और टाइम हो रहा है 7:05 बाकी है, तो भाई बहुत चिपचिपा लग रहा है, अजीब टाइप का, कहें कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा मडी वेदर था, मतलब क्या बोला आप लोग समझ ही गए होंगे, और फिर सोच रहे कि अभी नहा लेते जल्दी से और तुरंत नहा के आते हैं भाई, इतना अजीब लग रहा है ना कसम से, ओह तो चलते हैं जल्दी से नहा के आ जाते हैं यार। नहा के एकदम हो चुके हैं फुल सेट, और अभी टाइम हो रहा है 7:05, ये 7:05 नहीं हो रहा है जी, 7:16 हो रहा है, तो चलते हैं एक कप अच्छा सा तगड़ा सा चाय बनाते पीते हैं और जल्दी से बैठते हैं, आज तो बाबू फिजिक्स का पूरा न्यूमेरिकल से सॉल्व कर देंगे बाबू, वैसे नहीं मतलब क्या ज़्यादा ज़्यादा जोश वोश नहीं खाना चाहिए लेकिन ठीक है, और फिर एग्ज़ाम है, फिर सोच रहे हैं कि टाइम नहीं मिलेगा तो कल केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन करना है भाई, दो दो हो जाएगा, तो आज न्यूमेरिकल्स कर लेते फिर तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा तो चलते हैं जल्दी से चाय बनाते हैं एक अच्छा सा, फिर डुगू से भी पूछ रहे थे वो पिएगा कि नहीं, मतलब सोने का नाटक कर रही तो हमको पता है लेकिन वो फिर भी उठ ही नहीं रहा, देखते हैं फिर इस डुगू निकल उठने का नाम ही नहीं रहा है, चाय पिएगा चाय पिएगा, सो तो रहा नहीं है तुम नाटक कर रहा है, चाय पिएगा, कैमरा कैमरा ओपी, सो रहा मतलब पिएगा चाय, फिर बोलना मत बाबू रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मम्मी को बोल के मेरा मार खिलाता है, मम्मी को बोला नहीं, ए बोलना आ करो। अच्छा अच्छा चलो भाई गुस्सा आ जाएगा भाई, छोड़ देते हैं चलते जल्दी से अपने लिए चाय बनाते हैं पीते और टेंशन रहते हैं, ये सोच रहे ये कप में बनाते हैं या ये कप में बनाए या ये कप में बनाए या वो कप में बनाए, हाय दया चलो यही कप में बनाते हैं निकाल, चाय इज रेडी जल्दी से इसको छान लेते हैं भाई, आ जा चल 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 यार ज़्यादा बन गया शिट, इतना खाते तो नहीं, इतना नहीं पीना चाहिए भाई, ज़्यादा बन गया शिट, ज़्यादा नाप लिया भाई, इतना दूध जैसा चाय बना है भाई, कौन भाई इतना ज़्यादा बन गया लिटरल भाई, लेकिन क्या करें अब सही है, रखो इसको चलते जल्दी से बिस्किट विस्किट लेते, क्या करें भाई ज़्यादा बन गया, इतना भी चाय पीने में अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है भाई याद ही नहीं था कि एक चम्मच ले मतलब एक कप का लेना है भाई, ठीक है भाई क्या करें अब क्या कर सकते हैं, नथिंग टू डू, अब पीना पड़ेगा,
ठीक है भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो जल्दी से लेते हैं बिस्किट, बिस्कुट लेते हैं जल्दी से, और जल्दी पहुंचते हैं, आप लोग से मिलते हैं। चुका है इधर भाई, अभी गिरता भाई तो पानी वाने सब ले लिए और बैठ चुके हैं, और अभी खाते खाते देखते हैं, अभी हम सजेशन के लिए डाल लेते हैं कि सजेस्ट सॉन्ग्स फॉर मी इन माय इंस्टाग्राम, तो भाई उसमें अभी डाले हुए थे, तो देखते हैं अभी सबको, मतलब देखते हैं कौन कौन सा गाना आया, अच्छा गाना आया नहीं आया, और चलो देखते हैं। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता है कि अगर आप लोग भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और ठीक है चलते हैं। 7:50 हो ही गया, मतलब आखिरकार 8 बज ही गया लगभग, तो भाई चलते हैं जल्दी से पढ़ाई करने, वरना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा वरना, तो चलते जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं करते हैं, भाई क्या कर रहे हैं छोड़ो, तो चलते हैं जल्दी से कर लेते हैं। To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. लगभग न्यूमेरिकल्स तो हो गया, 11 था, मतलब थोड़ा मतलब था, तो मेरे को मैक्सिमम 1 आवर लग गया, और अभी 9:30 हो रहा है, स्टार्ट हो गया था 8 बजे, लेकिन बीच में आंटी सब आ गई थी, तो फिर उनके साथ भी थोड़ा हुआ, फिर ये उनके बेटे आए थे, उनका नाम है यश, तो यश मेरे साथ भी पूरा बताया, थोड़ा बहुत हुआ उसके बाद, तो फिर लग गए, लेकिन लास्ट का 3 सम सॉल्व नहीं हो रहा था, सोचे कल ट्यूशन जाएंगे, ये हमेशा पॉल खराब हो जाता है, ठीक है भाई, तो सोच रहे कि जब 3 क्वेश्चन नहीं हुआ तो कल जाएंगे मैम से, और मैम से पूछेंगे मैम कैसे बनेगा, उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा था लास्ट का 3 क्वेश्चन, तो भाई कहते हैं ये बॉल खड़ा हो जाता है, ठीक है नहीं मैम को रिकॉर्डिंग ही नहीं करना है छोड़ो, तो ठीक है मिलते हैं आप लोग से। गाइस खाना वाना खा के सब चीज़ हो चुका है, तो गाइस अभी टाइम आ गया है ब्लॉग को एंड करने का, तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आपको कैसा भी लगा वीडियो, कैसा भी बेकार अच्छा कैसा जो जो आपको मन में आ रहा है दिल में ब्लॉग देख के, तो तब तक मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।